32.98 के 3000 शेयर हैं, मैंने मार्च में लिए थे। अब मेरे को इसमें बहुत अप गया, अब काफी डाउन आ गया ड्यू टू वो प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा इसमें, तो इसमें मुझे और ऐड करना चाहिए या मेरे को सेल कर देना चाहिए? ओके क्या करें मानस? एनएमडीसी स्टील 33 रुपए की बाएंगे, फिलहाल तो फायदा दे रहा है इनको, क्या सजेशंस? ठीक है, एनएमडीसी स्टील के मैं चार्ट नहीं देख पा रहा दीपाली जी, तो उस पे व्यू देना मुश्किल होगा भाई। ओके माफी चाहेंगे हरप्रीत जी, एनएमडीसी के चार्ट्स अभी मानस नहीं देख पा रहे हैं, एनएमडीसी स्टील के इसलिए राय नहीं दे पाएंगे आपको, कल आपका क्वेश्चन हम वापस लेने की कोशिश करेंगे। रमेश हैं अगले कॉलर, रमेश चौधरी मुंबई से। रमेश जी नमस्कार, क्या सजेशंस, क्या सवाल है आपका और किस स्टॉक पे आप राय लेना चाहते हैं? मैम मेरे पास वरुण बेवरेजेस के 105 शेयर है 660 के भाव से, और मेरे को टाइम होराइजन में मेरे पास है 6 मंथ का। ओके आपका बाइंग लेवल क्या है? 660 का है। अच्छा 660 का है, 6 मंथ का अभी भी व्यू है, तभी तो फायदा दे रहा है ये स्टॉक आपको, 950 पर बंद हुआ है कारोबार में। मानस 6 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से रखें अभी भी वरुण बेवरेजेस 660 की बाएंगे क्योंकि? तो बिल्कुल रखना चाहिए, देखिए ट्रेंड बहुत पॉजिटिव बना हुआ है, हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिख रहे हैं, 20 वीक मूविंग एवरेज पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। अब जो नया टारगेट आपको बना के चलना है वो आई थिंक 1100 से लेकर 1130 की रेंज में रहेंगे, पोजिशन में बने रहिए और 800 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, जिससे कम से कम आपका जो प्रॉफिट है वो थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले एनएमडीसी स्टील की दीपाली जी बात हुई थी, तो उसके चार्ट मैं देख पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मेरी राय ये रहेगी कि एनएमडीसी स्टील में कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए, पैटर्न निगेटिव लगता है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रीच हुए और शायद गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, तो कभी भी उछाल मिले और 44 रुपीज के आसपास स्टॉक आने की कोशिश करें तो वहां पर एक बार निकल जाए और फ्रेश खरीदारी केवल 48 रुपीज के ऊपर करें। ओके चलिए, तो ये राय रही दोनों ही स्टॉक्स पर, एनएमडीसी स्टील पर भी मानस ने अपने कमेंट्स शेयर कर दिए हैं। बात करते हैं अब अगले कॉलर से, और हमारे साथ हैं रजत सोनीपत से। रजत नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? ये मिर्जा इंटरनेशनल है जी, 51 के रेट से। ओके और आपका नजरिया क्या है, कितने समय रख सकते हैं? साल के तक रख सकते हैं कम से कम। ओके साल भर रख सकते हैं, 51 ही खरीदारी है, 47 पर बंद हुआ आज कारोबार में, 4.25 रुपए नीचे खरीदारी के प्राइस से, क्या करे मानस ये इस पोजीशन में? देखिए दो चॉइस है, या तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए क्योंकि वहीं पर काफी सपोर्ट दिखता है स्टॉक में, और इंतजार करिए अगर जब भी ये 55 के ऊपर निकलेगा तो आपको 70-75 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो एक तो ये स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि इसी क्षेत्र में थोड़ी देर पहले ही मैंने बात की कि लिबर्टी में निवेश करें वो बेहतर आइडिया है, तो यहाँ से एक बार निकल जाए और लिबर्टी में निवेश करें क्योंकि वो पैटर्न काफी पॉजिटिव, उसके पैटर्न काफी पॉजिटिव लग रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे। आई थिंक रिटर्न्स, अगर आप रिटर्न्स की बात करें तो शायद आपको बेहतर रिटर्न लिबर्टी दे सकता है, लेकिन अगर आप इसे बने रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप बने रहिए, 40 रुपीज का लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए।